तो जिस जगह की बात मैं कर रहा था आप लोगों से, ये देखिए वो वही जगह है जहाँ पे मैं अक्सर अपना टाइम स्पेंड करने आ जाता हूँ। और ये जो व्यू है, चले इसकी खस्ता हालत इसलिए है कि लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया है, लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली ये ज़िम्मेदारी सबकी है। मेरे आसपास में यहाँ पे घर नहीं है, लगभग मैं 2 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आया हूँ ये देखने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं पीछे पीछे, ये जो रेड रेड बना हुआ है ना, इसको हम गांव के भाषा में सिरसोता बोलते हैं, यानी कि जो छठ पूजा जो होता है, जो आप छठ पूजा देखते हैं ना, तो हर कोई अपने घर का एक ग्रुप का बना लेता है यहाँ पे कि उस दिन वो आके यहाँ पे पूजा करेंगे। इसकी माइथोलॉजिकल आप कह सकते हैं कुछ ना कुछ धारणाएँ हैं लोगों के बीच में, मुझे वो पता नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये उसी लिए बना जाता था। कितने सुंदर सुंदर ये आप देख सकते हैं उस चीज़ को लेके बनाया हुआ है। बट चीज़ें क्या हो जाती हैं, हम देखते हैं कि ख़राब कैसे हो जाती हैं चीज़ें। और अब देख सकते हैं मेरे पीछे ये पोखर है, इतना बढ़िया है ये, इतनी शांति है यहाँ पे, आप बिलीव नहीं करेंगे। तो वापस मैं इस पोखरे के, इस तालाब के दूसरे छोर पे आ चुका हूँ मैं, और आप देख सकते हैं ये वही खूबसूरती है। इस तरफ भी वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं जो मैंने आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। कुछ बच्चियाँ यहाँ पे जो घास फूस की चीज़ें जो बनती हैं घर बनाने के लिए, वो जो खूबसूरती है, वो सुंदरता है, आज भी मौजूद है गाँव में। आपको मैं दिखाता हूँ, एक बरगद का पेड़ है मेरे ऊपर, पीपल नहीं, पीपल का पेड़ है, माफ़ कीजिएगा, बरगद का नहीं है ये, पीपल का पेड़ है। और कितना खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है ये। और बस एक चीज़ मुझे खलती है कि ऐसे जगहों को, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके गांव में, बिहार में, यूपी में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी जगह हैं जिनको इग्नोर किया जाता रहेगा। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो वहाँ पे भोपाल में जैसे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है भोपाल को, तो वहाँ पे आपको कितना खूबसूरत बना दिया गया है। और ऐसी जो जगह हैं आप देख सकते हैं ये, अगर इसको खूबसूरत बना दिया जाए तो ये कितना बढ़िया होगा, कम से कम 10 लोगों को ये रोज़गार देगा, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कह सकते हैं। यहाँ से जो शहर में लोग रह रहे हैं, लगभग 15 किलोमीटर जो मेन सिटी है छपरा का, वहाँ पे अगर लोग रहें तो कितना बढ़िया रहेगा। तो दूसरों की मदद कीजिए, मदद करके आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि आपने खुद की मदद की है। और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मैंने उनकी मदद की, उन्होंने मुझे उस मदद के काबिल समझा। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे राह चलते चीज़ें हमें मिल जाती हैं, दिख जाती हैं, जहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत होती है, कोई होता नहीं है सामने। ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा उनको ये करते हुए। और मुझे टाइम स्पेंड करना होता है तो मैं यहीं पर आता हूँ और अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरी छोटी सी साइकिल आप देख रहे हैं पीछे, और उस पेड़ के साथ, मैं उसी पेड़ की बात कर रहा था, आप देख सकते हैं। मैंने उस शख्स से बात किया, मैंने उनको बताया, समझाया कि यहाँ पे कैसे आप काम करके एक रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं, कम से कम 5 से 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा। मैंने उनको समझाया कि कैसे इस तालाब को अगर हम साफ़ करवा देते हैं, यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था कर दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह पर फैल चुकी है, तो कैसे लोग अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, और कैसे एक रोज़गार जो है क्रिएट हो सकता है, एक बाज़ार बन सकता है लोगों के लिए, जहाँ पे लोग आके बैठ सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। बचपन में पिकनिक मनाने जा करते थे। मैं कोशिश करूँगा कि अभी कुछ टाइम बाद, जैसे ठंड के मौसम में मकर संक्रांति के ऊपर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा पिकनिक मनाने का जो डेस्टिनेशन है, इस बार मैं इसी को चूज़ करूँ और यहाँ पर मैं आऊँ, अपने दोस्तों को लेकर उनको दिखाऊँ, समझाऊँ कि हाँ कैसे आप पिकनिक मना सकते हैं और ऐसी जगह को चूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल, मतलब लोगों के नज़र में है ही नहीं, आप कह सकते हैं। लोग जानते हैं जगह के बारे में लेकिन कोई उस तरीके से नहीं देखता जैसा देखा जाना चाहिए। और इसी कारण से है कि यहाँ पे थोड़ी गंदगी बढ़ गई है, लोगों ने पूजा पाठ तो किया है लेकिन उसे साफ़ सफाई नहीं किया है। छठ पूजा में लोगों ने चाय पिलाना शुरू किया, अच्छी बात है, जो सुबह सुबह का मौका होता है जब दूसरा अर्घ दिया जाता है, लोग चाय पिलाते। लेकिन जो वो जो जगह था मैंने आपको दिखाया था उस साइड में, वहाँ पे दिखा था मैंने कि जितने भी चाय के कप वगैरह हैं वो ऐसे ही फैले हुए हैं, प्लास्टिक्स अगरबत्ती के रैपर्स ऐसे ही फैले हुए हैं वहाँ पे, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा।
और इसका कारण अगर आप सोचें तो कोई एक कारण नहीं हो सकता। इसके बारे में अगर मैं कहूँ कि किसकी ज़िम्मेदारी है, तो मैं किसी सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं दूंगा, मैं किसी नेता की भी ज़िम्मेदारी नहीं दूंगा। यहाँ पे रहने वाले लोगों की ज़िम्मेदारी है, वो जो पूजा कर रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है वो कि इस चीज़ को कैसे वो खूबसूरत बना के रखें, कैसे हर कोई अपना घर आंगन साफ़ करता है, अपने शरीर को साफ़ करता है, तो इसकी साफ़ सफाई क्यों नहीं। तो मेरा सवाल है ऐसे लोगों से कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि कैसे ऐसे अच्छी चीज़ों को आप अच्छा बना सकते हैं। तो हेलो पीपल, मैं बस अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके। वीडियो अगर पसंद आया हो, आपके क्या व्यूज़ हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जगह हैं अगर आपके पास आसपास में, तो अपना अगर आप वीक में एक घंटा भी दे सकें उस चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कीजिए और फिर अपने आप में महसूस करके देखिए, आईने में देख के महसूस कीजिए, सोच के महसूस कीजिए आपको कितना अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है हेलो पीपल आप सबके साथ है। तो जो आज का सफ़र था आपने देखा, यात्रा की शुरुआत मैंने दिखाई आपको, मैं वापस अपने साइकिल पे, देख सकते हैं आप उस पोखरे उस तालाब के पास से वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत इलाका है ये। अगर आप शहर के भागा दौरी से परेशान हो गए हैं तो सच मानिए थोड़े स्लो हो जाइए, और स्लो होकर ऐसी जगहों पर बिताइए, आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी शहर में। आप जो देख रहे हैं ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ गांव में ही देखने को मिले। बहुत मज़ा आ रहा है। ऑफकोर्स मेरे आसपास मसूरी नहीं है, मनाली नहीं है, मनीला नहीं है, लेकिन मेरा गांव है जो हमेशा मुझे वो गाना याद दिलाता है, धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। क्या पड़ता भाई ना, इतना पानी बा भी आई एम कभी तक कटवा दे। हेलो हेलो उजय भाई,